हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए मजेदार से वीडियो। दोस्तों आजकल फिल्म देखने वालों से ज्यादा फिल्म को बिना देखे बॉयकॉट करने वालों की संख्या बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर हर दूसरे दिन किसी ना किसी मूवी को लेकर बॉयकॉट ट्रेंड उठता है और सूरज ढलने के साथ साथ ही वो ट्रेंड भी खत्म हो जाता है। लेकिन यार इस बार इसके चपेट में आ गया है बॉलीवुड का बादशाह यानी शाहरुख खान, जो बेचारा 4 साल से वैसे ही फिल्मों से दूर रहे थे। अब वापस आए तो दोबारा शोर मच गया। पूरा मुद्दा जुड़ा है उनके नई मूवी पठान के साथ, जिसको लेकर कुछ दिन पहले लोग नाराज थे कि फिल्म का प्रमोशन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं मेकर्स। फिर जब फाइनली फिल्म का पहला गाना आया यूट्यूब पे तो दोबारा लोग नाराज हो गए कि यार ये गाना क्यों रिलीज किया। बेशरम रंग, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस गाने का टाइटल फिलहाल पठान के लिए सबसे बड़ा मुसीबत बन जाएगा। बॉयकॉट पठान का शोर धीरे धीरे ही सही, लेकिन यार रफ्तार में तो आ रहा है। अब यार मुझे यहाँ पे एक डाउट है, ये लोग जो बॉयकॉट करना चाह रहे हैं इस मूवी को, उनमें से एक्चुअली में मूवीज कितने परसेंट लोग देखते हैं? अगर किसी तरह से हमने ये परसेंटेज निकाल लिया ना, तो गारंटी है मेरा इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ता कि किसकी मूवी आ रही है और कैसी मूवी आ रही है। लेकिन फिर भी यार बहती गंगा में हाथ तो धोना ही है ना। लोगों की कुछ पॉइंट को मैंने नोट किया है जिसकी वजह से ये मूवी बॉयकॉट करने के मांग चल रहा है। ये मेरा नहीं उनका पॉइंट है, ठीक है। तो पहला है फिल्म का नाम पठान। कुछ लोग साफ बोल दिए है फिल्म लाइन में ये खान वगैरह का नाम नहीं चलने देंगे। सलमान, आमिर, शाहरुख कोई भी हो, फिल्म कैसा भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं, बस नाम के पीछे खान नहीं चलेगा। और इतना हिम्मत इस फिल्म का नाम भी पठान रख दिया, इसको तो रिलीज भी नहीं होने देंगे। कोई भी लॉजिक की बात मत करना, बस खत्म। दूसरा है दीपिका की ड्रेस। बेशरम रंग में उन्होंने जो ड्रेस पहना है वो थोड़े छोटे लगते तो भी चलता, लेकिन कपड़ों का रंग केसरिया बोले तो गेरुआ। फिल्म को बॉयकॉट नहीं सीधा बैन करो। आपने देखा ना उन्होंने कपड़े किस रंग की पहनी है, ऊपर से नाम भी बेशरम रंग। लो भाई गई भैंस पानी में। तीसरा है बेशरम रंग गाना हमारे युवाओं को बिगाड़ रहा है, देश का कल्चर खराब कर रहा है, ऐसा कहना है कुछ महान ज्ञानी विद्वानों का। मेरा छोटा सा सवाल है उनसे, पुष्पा मूवी की आइटम सॉन्ग पे तालियां बजाने वाले लोग बेशरम रंग को गालियां क्यों दे रहे हैं? पुष्पा क्या किसी दूसरी कंट्री में रिलीज हुआ था या याद नहीं आ रहा है मुझे? अब देखो आपके मन में अब एक सवाल आ रहा होगा कि यार इस बॉयकॉट ट्रेंड की वाकई पठान को कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं, ऐसे ही चलता रहा तो मूवी रिलीज होगी या नहीं। यार टेंशन मत लो, मूवी रिलीज तो होगी, और जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं ना यही लोग खुद जाएंगे मूवी देखने। बस कंटेंट अगर अच्छा हुआ तो, अगर कंटेंट सही नहीं हुआ तब तो यार बॉयकॉट करने की भी जरूरत नहीं है, ऑडियंस वैसे भी नहीं जाएगी। लेकिन कंटेंट अगर अच्छा हुआ तो तुम ऑडियंस को थिएटर आने से रोक ही नहीं सकते। देखो ये मेरा ओपिनियन है, मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोल रहा हूँ। क्या पठान को वाकई इन सब फालतूगिरी से कोई फर्क पड़ता है? लिखो अपना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। बाकी आज के वीडियो को यही खत्म करते। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। टाटा बाय बाय।